हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए स्पाइसी और क्रिस्पी शंकर पाली की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मिठाई खाकर पर बोर हो गए हैं तो आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा करारी, बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार बनकर तैयार हुई है। आप इसे अपने इवनिंग स्नैक के तौर पर भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार होती है। इसके लिए हमें डेढ़ कप मैदा चाहिए, 2 चम्मच सूजी चाहिए, इसको भी इसमें ऐड करना है, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हमको इसे स्पाइसी बनाना है, 1 टीस्पून ज़ीरा, आधा स्पून नमक, इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। इससे हमारे शंकर पाली बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। 1 टेबल स्पून हमने रिफाइंड ऑयल यहाँ पे ऐड किया है, इसको भी डालकर मिक्स करना है हमें थोड़ा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बनाकर बता रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप मेजरमेंट को डबल कर लीजिएगा, 1.5 कप की जगह आप 3 कप मैदा लीजिएगा और उसी के हिसाब से बाकी चीज़ों को भी डबल कर लीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, 1/2 कप के करीब गुनगुना दूध डालेंगे। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए 1/2 कप इसमें दूध ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे पूरा दूध से भी गून सकते हैं इसका आटा, या फिर आप चाहे तो पानी से इसको गून सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड करेंगे हम और इसको मिक्स करेंगे। इसका आटा हम थोड़ा सा टाइट रखते हैं क्योंकि सॉफ्ट आटा रखेंगे तो फिर ये अच्छे बनेंगे नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, इसलिए आटा को हमको थोड़ा सा टाइट रखना है, अच्छे से गूंधा हुआ हो आटा और थोड़ा टाइट भी हो। इस तरीके से हम आटे को मिक्स करेंगे दूध से। यहाँ पर हम इसको हम दूध से गूंद रहे हैं, आप चाहें तो इसे पानी से भी गूंद सकते हैं। दूध से ये बहुत अच्छे बनते हैं, दूध से अगर आप इसे गूंदेंगे तो इसका आटा भी बहुत अच्छा गूंदेगा और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्तेदार बनेंगे। इस तरीके से हमें इसका आटा गूंदना है ताकि अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। देखिए व्यूअर्स, हमें अपने आटे को इस तरीके से हल्का सा प्रेस करते हुए गूंदना है। हमारा आटा बस गूंद ही गया है, देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम सेट करने के लिए रख देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने डो को इस तरीके से कर लिया है शेप में। अब हम इसके दो पार्ट करके इसको गोल शेप में बनाएंगे, इसको लोई की तरीके जैसे हम लोग लोई बनाते हैं। देखिए लोई शेप हमने इसको बना लिया है, इसको इस तरीके से इसमें रोल कर लेंगे। इसको हम बेलेंगे, इसको हमें बिल्कुल अच्छे से बेलना है, इक्वली बिल्कुल जैसे हम लोग रोटी बेलते हैं वैसे ही हमको इसको बेलना है और उतना पतला नहीं बेलना है। देखिए व्यूअर्स, हमें इस तरीके से इसे गोलना है बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं पतली पतली सी, उससे थोड़ा सा हमको मोटा उससे बेलना है। इसे हमें इसको शेप देना है, ये मैं इसको लंबाई में काटूंगी। मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही आसान आसान से रेसिपीज लेकर आती हूँ ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। देखिए और सामने इस तरीके से इसको पतला पतला बेलकर इस तरीके के शेप में इसको काट लिया है। अब हमें इसको फ्राई करना है, तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। देखिए जैसे ये हल्के से गोल्डन ब्राउन होते हैं तो हमको इसको फ्लिप कर देना है, इसको इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करना है। देखिए देखने से कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना,
खाने में बहुत ही ज़्यादा, खाने में तो और भी ज़्यादा स्पाइसी और क्रिस्पी हैं, बहुत ही खस्तेदार बनकर तैयार हुए हैं। गैस की फ्लेम को आपको लो कर देना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे आप इसे पकाइए, तभी ज़्यादा अंदर तक पक जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी खस्तेदार स्पाइसी शंकर पाली की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही खस्तेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी दिवाली में, और भी दूसरे फेस्टिवल हो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसे इवनिंग स्नैक के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनी है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, अंदर तक बिल्कुल करारी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी ये क्रिस्पी और स्पाइसी शंकर पाली पसंद आई है, तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन इससे बढ़ेगा और हम आपके लिए आगे ऐसे ही अच्छी डिलीशियस और बहुत ईजी मेथड से बनाने वाली रेसिपीज़ लेकर आएंगे। और हमारे वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।